नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे रेनो क्विड के बारे में और मैं हूं इस समय रेनो 63 नोएडा के शोरूम में, जहां पे आप देख सकते हैं कि रेनो की सारी ही कार। और ये है रेनो क्लाइंबर, जिसका हमने पहले भी वॉक अराउंड कर दिया है और इसके बारे में जो आपको जानकारी देंगे वो हैं हमारे रेनो शोरूम के मिस्टर अनुज, जो है सीनियर सेल्स कंसल्टेंट यहाँ के। इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी वीडियोस में देखा है कि इन्होंने सारे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था क्लाइंबर के बारे में जो आप देख रहे हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्विड जो है 2022 मॉडल, क्या है चेंज 2021 से, क्या है, क्या प्राइसिंग है, क्या लुक चेंज किया है, क्या इंजन में रिफाइनमेंट है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज चौहान और आज हम बात करेंगे न्यू क्विड क्लाइंबर 2022 की, जिसमें क्या क्या चेंजेस हैं या फिर रिफाइनमेंट क्या है इंजन की, वो मैं आज आपको बताऊंगा। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं इंजन के लिए जो कि कंपनी ने वर्कआउट किया है उसके ऊपर, तो आज मैं सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कराऊंगा रेनो क्विड RXT ऑप्शनल मैनुअल ट्रांसमिशन की, जो कि 1000cc का एक टॉप एंड वेरियंट है। अगर हम स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 5,09,500 इसका एक्सशोरूम प्राइस है, जहाँ से ये कार स्टार्ट हो जाती है 1000cc। सबसे पहले अनुज जी मुझे बताइए, इसके फ्रंट जो है ना, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है फ्रंट में जो है, इसके फ्रंट के बारे में जानकारी दीजिए कि फ्रंट में कोई चेंज है, सेम है या कुछ एडिशनल कुछ एड ऑन किया गया है। बेसिकली मिस्टर विकास, अगर हम बात करें न्यू 2022 कार्स की, तो बेसिकली कोई कार चेंजेस कुछ भी नहीं करे हैं, सिर्फ जो रिफाइनमेंट किया है वो एक इंजन में रिफाइनमेंट किया है। ये काफ़ी वाइड DRLs हैं जो कि इस सेगमेंट की कार्स में आपको किसी भी कार में नहीं मिलते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट इन क्लास फीचर जो कि इतने वाइड DRLs आपको मिलते हैं, साथ ही ये LED DRLs आपको मिल जाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट इन क्लास फीचर। दिस इज अ डुअल बीम हेड लैम्प्स, इसमें आपको एक सिंगल लैम्प आपको डुअल बीम हेड लैम्प्स मिल जाती हैं। सो दिस इज ऑल्सो फर्स्ट इन क्लास फीचर ऑफ द क्विड। लुक्स जो है फ्रंट से काफ़ी वाइड है, काफ़ी बोल्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस कार को मिनी डस्टर भी बोलते हैं, मिनी SUV भी बोलते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इस कार में आपको जो बोल्डनेस है या जो ब्रॉडनेस है वो आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। जैसे अनुज जी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ORVM है इसका कलर चेंज है, मतलब डुअल कलर बोल सकते हैं कि ये गाड़ी का कलर अलग है इसका कलर, तो क्या ये सिर्फ इसी वेरियंट में आता है या सब वेरियंट में आता है? बेसिकली अगर हम टॉप मॉडल RXT ऑप्शनल की बात करें, अगर हम 1000cc की कार की बात करें, तो इसका आउटर पार्ट जो है जो होता है वो सेम होता है। जैसे अगर आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आपका कैमरा आप नीचे एक बार लेके जाइए, इसका जो आउटर पार्ट है, जैसे कि इसके जो व्हील कैप्स हैं वो भी सिल्वर है, इसका जो ORVM है वो भी सिल्वर है, और ऐसे ही आपको जो एक्सटीरियर जो पार्ट है ना वो आपको पूरा एक सिंगल बेसिकली मिल जाता है आपको सिल्वर टच के साथ। ठीक है, इसमें टायर साइज क्या है और इसकी क्लैडिंग यहाँ पे बहुत आर्क जो है ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ब्रॉड है ये। बेसिकली अगर आप जैसे कि सभी जानते होंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके जो स्टांस हैं कार के वो एक SUV कार्स की तरह हैं, तो अगर आप देख सकते हैं जो भी SUV कार्स आती हैं तो जो व्हील आर्च क्लाइडिंग जो मिलती है आपको सिर्फ एक SUV कार्स में मिलती है, तो वही एक सेम पैटर्न आपको रेनो क्विड में भी मिल जाता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आपका ये इधर आपकी क्विड खड़ी है और ये काइगर खड़ी है, तो काइगर भी एक मिनी SUV ही। जी जी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ का जो आर्क है और वो जो आर्क है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब उसका जो SUV का फील है वो यहाँ पे भी दिया गया है, जैसा आप बता रहे हैं कि मिनी SUV। जी जी बिल्कुल, परफेक्टली राइट। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको व्हील आर्च क्लाइडिंग मिल जाती है, साथ ही आपको एक बहुत ही लुक्स को इनहेंस कर देने वाला एक साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि इसकी प्रेजेंस को स्टेबल करता है कार की। जी बिल्कुल, मैं व्यूअर्स में आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो आर्क है और वो काइगर का आर्क है, आप देख पा रहे हैं ये काइगर का आर्क है और ये इसका आर्क है, दोनों में साइज में मुझे ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है, तो ये फील दिया गया है कि एक SUV फील का। बाकी इसमें टायर साइज बताइए, टायर साइज क्या है इसमें? बेसिकली अगर हम टायर साइज की बात करें तो इसका जो टायर साइज है दैट इज 14 inches टायर साइज, और ये जो टायर है ट्यूबलेस टायर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो 165/70R14 का इसका टायर साइज है। तो ये अलॉय नहीं है? नो, इट्स नॉट एन अलॉय, बट इट्स अ नॉर्मल व्हील आपको मिल जाता है।
ठीक है, ट्यूबलेस है ये? हाँ, ट्यूबलेस और रेडियल दोनों आपको मिलता है, ट्यूबलेस भी है ये टायर और रेडियल भी है। साइड में भी आपने बताया कि यहाँ पे 1.0 की बैजिंग यानी कि 1000 सीसी। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हम वॉक अराउंड जो कर रहे हैं, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो एक 1000 सीसी कार की दे रहा हूँ। सो आपको यहाँ पे बैजिंग भी मिल जाती है एक 1000 सीसी की कार पे। सो दिस इज अ 1.0 लीटर इंजन एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल इंजन जो आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। साइड से भी मुझे मतलब बहुत अच्छी लग रही है, जो इस सेगमेंट की कार है उसमें लुक वाइज की अगर मैं बात करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कार है इस सेगमेंट की। या परफेक्टली राइट, अगर हम बात करें इसके साइड डिजाइन की तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो डिजाइन जो कर्व्स जो है कार के वो बहुत क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर्व्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ना। तो डिजाइन जो है वो एक नॉर्मल बोरिंग कार की तरह नहीं है, एक नया ट्रेंडी कार की तरह है, एक यंग यूथ की कार आपको मिल जाती है। इसे आप इजीली लाइक आपकी पर्सनैलिटी को भी ये कार सूट करती है। अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इस सेगमेंट की कार्स में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, 184 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी कार में आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसका जो स्टांस जो है कार के, इसका जो डायनेम जो कार जो है वो एक SUV इंस्पायर्ड डिजाइन कार है, तो उसी बेस पे आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। टेल लैंप्स अगर आप शायद देख पा रहे हो इस कार की, मैं एक बार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। अगर इसकी टेल लैंप्स को अगर हम दिखाएं तो दिस इज़ अ फर्स्ट इन क्लास टेल लैंप, आपको LED टेल लैंप्स मिल जाती है, जो कि एक वाइड यानी कि बड़ी कार्स में आपको मिलती है। वो टेल लैंप आपको एक छोटी क्विड के अंदर भी मिल जाती है। काफी अच्छा इस सेगमेंट की LED में, मतलब इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से जी ये जी जी परफेक्ट है। इसमें किसी और सेगमेंट में नहीं, ए सेगमेंट की कार्स में सबसे आपको फर्स्ट इन क्लास आपको टेल लैंप्स LED टेल लैंप्स मिल जाती हैं। साथ ही इसके पीछे की अगर हम डिजाइन की बात करें, सबसे मेन चीज का अगर आप शायद बम्पर देख पा रहे हो ना, सो दिस इज अ स्क्रैचलेस बम्पर। इसमें आपको अगर पीछे से कोई स्क्रैच भी लगते हैं तो आपको पता नहीं लगता, बिकॉज एक SUV इंस्टांस कार के अंदर दिए हुए हैं। तो सेम पैटर्न पे इस कार के बम्पर रियर बम्पर को भी बनाया गया है, स्क्रैच फ्री स्क्रैचलेस, मतलब कि इस पे स्क्रैच लगेगा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मतलब सबसे ज्यादा अगर दिल्ली NCR में आप चलते हो तो सबसे ज्यादा गाड़ी पीछे से ही लगती है, कभी कोई रिक्शा वाला दे दिया, कोई बाइक, मोस्टली तो बाइक वाले ही लगाते हैं। तो ये मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर सिंपल अगर कोई टच करके चला जाए तो वो स्क्रैच नहीं बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल आप फ्रीली माइंड से आप इस कार को ड्राइव कर सकते हो। इसमें आपको रियर बम्पर पे कोई भी छोटा मोटा अगर कोई हिट होता भी है तो कोई स्क्रैच नहीं आएंगे। इससे मेन चीज क्या होता है, इससे आपका मेंटेनेंस और कम हो जाता है कार का, फील आपको बेसिकली आप फ्री माइंड से ड्राइव कर सकते हो, थोड़े बहुत स्क्रैचेस इस पे आपको कभी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे कैमरा भी है। जी 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 जी, आप सही पहचाने सर। इसमें आपको रियर में कैमरा भी मिल जाता है, जो कि एक छोटी सी कार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो कि अगर हम देखें तो इस कार के अंदर आपको एक ए सेगमेंट की कार के अंदर भी आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। और इसका अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसका जो प्लेसमेंट जो है कैमरा की वो बहुत अच्छे से करी है। आप एक बार अंदर चलने से पहले मैं सोचता हूँ ये जो है ये मैंने इस सेगमेंट की कार में नहीं देखा है। ये रूफ स्पॉइलर आपको मिल जाता है, जो कि इस कार की स्टेबिलिटी का आपको और इन्हेंस कर देता है। बेसिकली इसका जो काम होता है वो एयर की डाइवर्जन के लिए होता है, जिससे कि इस कार की जो रोड प्रेजेंस जो है, जो स्टेबिलिटी है, वो और इन्हेंस मतलब हो जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपने सेगमेंट की वन ऑफ द मोस्ट जी 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 जी। इस कार की अगर हम शेप की बात करें तो आपको फ्रंट से लेके ऊपर रूफ तक भी आपको एरोडायनेमिक शेप मिल जाती है। साथ ही स्पोर्टी स्पॉइलर आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, जो कि इस कार की लुक्स को और बढ़ा देता है और इन्हेंस कर देता है। इसमें एंटीना भी वहाँ पे दिया हुआ है, ये मतलब ये निकल जाता है या फिक्स है? नहीं, आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, इसे अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हो इस कार के एंटीना को। साथ ही एक SUV इंस्टांस भी आपको इस कार के अंदर इस एंटीना से भी फील होता है। तो अनुज जी, मुझे अब आप बताएंगे कि बाहर तो हमने देख लिया भाई, गाड़ी बहुत सही है, लुक वाइज ही बहुत बढ़िया है, सब कुछ जानदार है, और अब हम इसके चलते हैं अंदर। तो आप मुझे बताइए इसकी चाबी, एक बार चाबी दिखाएंगे इसकी क्या है, कुछ डिफरेंस है? अच्छा, ये चाबी है, और इसमें पीछे क्या है ऑप्शन? लॉक अनलॉक का, बस सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन भी आपको इस की के अंदर ही मिल जाता है। दिखने में अगर आप देख रहे होंगे ना, तो की बहुत लुक्स में बहुत स्मार्ट है। अगर आप देख रहे होंगे इस की को, तो एक बोरिंग इसका डिजाइन ही है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा मिल जाता है आपको। जी, चाबियां बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो बेसिकली सेम आपको की जो है वो आपको इस कार की बहुत अच्छी जाती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। चलिए विकास जी, अब मैं आपको इसके कार के अंदर लेके चलता हूँ इंटीरियर की तरफ, कि इस कार का इंटीरियर टॉप एंड वेरिएंट जो है, इस कार का RXT ऑप्शनल वेरिएंट जो है,
वो कैसा है, इसका इंटीरियर कैसा है, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं, वो मैं सारी चीज़ें अब आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए स्टीयरिंग करके चलेंगे, स्टीयरिंग पहले बताइए कि सबसे पहले गाड़ी में बैठते ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है भाई, स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग में इसको एकदम सिंपल रखा गया है, थोड़ा सा क्रोम फिनिश भी है। बेसिकली अगर हम इसकी स्टीयरिंग की बात करें तो अगर आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका जो ग्रिप है कार का वो बहुत एक स्पोर्टी, एक हैंडी स्टीयरिंग आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। साथ ही अगर हम इसके लुक्स की बात करें स्टीयरिंग के, तो लुक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको। मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे आपको क्रोम फिनिश भी मिल जाता है, साथ ही लोगों की बैजिंग भी आपको मिल जाती है। यहां पे आपको थोड़ा सा पियानो पार्ट भी मिल जाता है, जो टच है, जो फील है, वो आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है, जो कि लुक्स को और इन्हेंस कर देता है। काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी हैंडी स्टीयरिंग आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। बाकी आप मुझे बताइए इसके बारे में, ये पूरी कहानी बताइए, ये क्या है भाई, इसमें क्या क्या मिलेगा गाड़ी चलाते वक्त, क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर जो है वो बहुत क्लासी मिल जाता है, जो कि इसके लुक्स, इंटीरियर लुक्स को, हमारी फीलिंग्स को और अच्छी बना देता है। अगर आप देख रहे होंगे इस कार के अंदर, इस मीटर के अंदर वेलकम फंक्शन भी मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन क्लास आपको LED इतना वाइड स्पीडोमीटर इस कार के अंदर आपको मिल जाता है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इस स्पीडोमीटर के अंदर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, इसके अंदर आपको RPM का ऑप्शन मिल जाते हैं। अब आते हैं भाई, इसकी बात हो गई, ये तो क्या इसमें दिख रहा है क्या है, अब आते हैं इसकी गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे बड़ा मेन फोकस रोल यही होता है कि ये स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन है, क्या है, कितने इंचेस का है, ये सब क्या है। आपके आपके इंटीरियर जो को और अच्छा बनाने के लिए रेनो ने आपको एक 8 इंचेस का वाइड बिग स्क्रीन, आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर दिया है, जिसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का भी फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाता है। ठीक है, मतलब 8 इंच का है। यस 8 इंच का ये टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर है। साथ ही इसका जो टच है वो एक कैपेसिटिव टच मिल जाता है। अगर आप देख रहे होंगे, इट्स वर्क वेरी फास्ट, इट्स मूविंग वेरी फास्ट। तो अगर आप देख रहे होंगे तो इसका जो टच है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसका इट्स वेरी लाइक फास्ट मूविंग, काफी अच्छा है। ठीक है, और सेटिंग्स में आपका, सेटिंग्स में आपको कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है इसके अंदर, आपको एप्पल का प्ले, ब्लूटूथ, एप्पल भी है और एंड्रॉइड भी है। जी एप्पल भी है, जी एप्पल का प्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों है, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। आप फोन को सिंपली आप फोन पिक और डिस्कनेक्ट के लिए, आप कनेक्ट करने के लिए आप अपने इसे ब्लूटूथ से भी फोन को कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही इसमें एप्पल का प्ले और एंड्रॉइड ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है। भाई ये तो मतलब अमेजिंग है। नाइट मोड का भी ऑप्शन आपको इस कार के अंदर मिल जाता है, अगर आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो नाइट मोड का भी ऑप्शन, जो एक बड़ी कार के जो बड़ी कार के जो फील है, जो बड़ी कार के जो फीचर्स हैं, वो आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। 8 इंच की स्क्रीन और वो भी इस जी वेरिएंट, इस कैटेगरी के जी सेगमेंट में 8 इंच की स्क्रीन, अमेजिंग है भाई। अब इसके यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे पियानो फिनिश आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्विड की बैंडिंग है, यहाँ पे SRP एयर बैग है। जी दिस इज अ फर्स्ट, लाइक अगर आप देखें तो इस सेगमेंट की कार्स में, किसी भी कार में आपको बोथ एयर बैग, जो फ्रंट एयर बैग्स हैं वो SRP एयर बैग्स नहीं मिलते हैं, दोनों है, पैसेंजर ड्राइवर दोनों। जी डुअल एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, जो कि SRP एयर बैग है और अफेक्टली वर्क करते हैं ये जो एयर बैग्स हैं। अच्छा, ये क्रोम की भी फिनिश मैं देख रहा हूँ, क्रोम की भी फिनिश काफी जगह है इंटीरियर में, कि यहाँ पे भी AC वेंट्स पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और इस मतलब जनरल स्क्वायर की जगह कहते हैं सर्कल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा फील गुड फीचर। बेसिकली इस डिजाइन का पर्पज ये है कि अगर आप AC की एयर डाइवर्जन को आप इसे 360 रोटेट कर सकते हो, साथ ही इसके क्रोम पार्ट से जो है वो इसके लुक्स को और इन्हेंस कर दिया जाता है। साथ ही इसमें आपको 360 रोटेटर आपको मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने एयर के डाइवर्जन को 360 डिग्री तक रिमूव कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ बात कर लेते हैं ऑटो, मैं आपको बता देता हूँ ये सारे फीचर्स यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पावर विंडोज के ऑप्शन, जनरली आपने देखा होगा पावर विंडोज के ऑप्शन यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जिससे कि वाइल्ड ड्राइविंग आप ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस अच्छा, मिल मतलब जाते हैं पावर विंडोज के। इसमें ये बताता हूँ कि ये अच्छा है कि मैं भी ड्राइव करता हूँ, आप भी ड्राइव करते होंगे, तो ये होता है कि कभी कभी हम ड्राइव करते करते थोड़ा सा होता है कि अगर हमें विंडो नीचे करनी होती है अपने ड्राइवर साइड की, पैसेंजर नहीं ड्राइवर साइड की, तो हमारा एक सेकंड के लिए तो ध्यान इधर उधर जाता है कि अच्छा यार बटन कहाँ है वो क्या है, लेकिन इसमें ये क्या है कि आप अपने पैसेंजर बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ आई, यहाँ मेरा जरा डोर नीचे कर दो तो वो यहाँ से आपका डोर
वो विंडोज जो है वो नीचे कर सकते हैं जी। ये जो बटन्स हैं बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ आई हैं, आपके रीचेबल हैं, आप बड़े इजीली आप इन्हें विंडोज का अप एंड डाउन कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं, दो ऑप्शन और हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो पार्किंग का ऑप्शन मिल जाता है वाइल्ड लाइक स्टॉप, अगर आपकी गाड़ी बंद है तो यहाँ से आप अपनी कार को, वैसे तो इस कार के अंदर आपके स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और अनलॉक दोनों ही है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक भी है जी, क्या बात कर रहे हैं जी, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक अनलॉक मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप अपने अगर आप मैनुअली भी आप इस कार को लॉक और अनलॉक इलेक्ट्रॉनिकली वे से आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ साथ ही ये जो है ये चार्जर है, ये यूएसबी है, दिस इज द फर्स्ट इन क्लास फीचर, दिस इज द फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट। आप अपने सिर्फ आपको फोन कनेक्ट ही नहीं करे रखना है, इस यूएसबी के थ्रू आप अपने फोन को भी काफी फास्ट तरीके से आप इसे चार्ज भी कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। कुछ फीचर्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, कुछ चीजें यहाँ पे भी दी गई हैं जिन्हें मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा प्लीज। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एसी टू हीटर कन्वर्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको एसी का ऑन ऑफ मिल जाता है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको फैन के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, साथ ही यहाँ पे आपको एयर डाइवर्जन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप अपनी पूरी एसी से लेके सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्पेस अच्छा खासा है, मैं अपना मोबाइल रख दूं यहाँ पर, तो जैसे जनरली हम लोग ड्राइव करते हैं तो मोबाइल या तो फिर साइड में रखते हैं या फिर यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आप अपना पर्स भी रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, 3-4 मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल रखने का, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस ए सेगमेंट की कार्स के अंदर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेसियस इंटीरियर, अगर हम स्पेस की बात करें, वो सबसे ज्यादा मिल जाता है। लाइक 24.4 लीटर का आपको स्पेस इस कार के अंदर मिल जाता है, इंटीरियर जो स्पेस है, जो छोटे मोटे निक नैक्स रखने के लिए जो स्पेस है वो आपको 24.4 लीटर का मिल जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल स्पेस ऑफ दी कार है इंटीरियर स्पेस, दैट इज 24.4 लीटर। तो अनुज जी यहाँ पे मैंने मोबाइल रख दिया, अब मेरे पास है पेपर, गाड़ी के पेपर है और कुछ अर्जेंट पेपर भी है, यहाँ पे इतना स्पेस है यहाँ पर ग्लोव बॉक्स। अगर हम एक सिंगल ग्लोव बॉक्स की बात करें, आप देख पा रहे हो काफी डीप स्पेस आपको मिल जाता है, 11 लीटर का ये सिंगल आपको स्पेस मिल जाता है, अगर आप इंटीरियर ग्लोव बॉक्स की बात करें, लोअर ग्लोव बॉक्स की बात करें तो। अच्छा, ये काफी अच्छी स्पेस है, मतलब जी आपको ऐसे नहीं पता लगेगा लेकिन काफी अच्छी स्पेस है, बहुत अच्छा। साथ ही इसके डोर्स पे भी आपको बॉटल के लिए स्पेस मिल जाता है जी, हाँ। तो इस सेगमेंट की कार्स में सबसे ज्यादा स्पेसियस इंटीरियर जो स्पेस है 24.24 लीटर का आपको स्पेस इस कार के अंदर मिल जाता है। एक चीज मैं तब से देख रहा हूँ, ये जो है ना रिवर्स लेफ्ट में, भाई मैं जो ड्राइव करता हूँ तो रिवर्स मेरा इधर होता है जी, इसमें रिवर्स मेरा इधर होता है, इन रिवर्स तो इसमें यहाँ है, तो मुझे कभी मतलब थोड़ा सा वो नहीं लगे यार रिवर्स इधर है तो क्यों, मतलब यहाँ पे क्यों दिया है रिवर्स। बेसिकली सर दिस इज अ फ्रेंच ब्रांड राइट, सो ये जो ब्रांड है वो अपने सेफ्टी को लेके बहुत ध्यान रखते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप शायद देख पा रहे हो इसमें ना ये जो रिवर्स जो है, ये भी है कि भाई फर्स्ट की जगह रिवर्स ही लग गए। अगर हम इसके रिवर्स को देखें तो इसका रिवर्स जो वो टोटली लॉक्ड है, जब तक आप इसे पुल नहीं करेंगे तब तक इसके रिवर्स को आप यूज नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ सेफेस्ट फीचर दैट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी व्हाइल यू आर ड्राइविंग ऑन रिवर्स। मतलब अगर मैं दूसरे गियर पे चला रहा हूँ, पहला लगाना है तो रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं लगेगा। जब तक आप इसे पुल नहीं करके लेके जाएंगे तब तक इसकी रिवर्स नहीं वर्क करेगा। चलिए बढ़िया, दिस इज ऑल्सो अ सेफ्टी फीचर, बहुत बढ़िया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीट है इस पे भी डुअल टोन का टच दिया हुआ है। जी इसके रेड है, बेसिकली ये रेड है, इसके इंटीरियर को और इनहेंस करने के लिए वो आपको एक कलर कॉम्बिनेशन में इसकी सीट्स मिल जाती हैं। साथ ही फैब्रिक इसकी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक आपको देख रहे हैं, तो मैं अभी बैठा हुआ हूं, तो सेफ्टी मतलब फैब्रिक जो है इसका बहुत, इसका जो फैब्रिक जो है वो बहुत सॉफ्ट फैब्रिक मिल जाता है। साथ ही इसका जो डिजाइन है, अगर आप देख रहे हो तो बकेट सीट आपको मिल जाती है जो कि आपको अच्छे से टाई करके रखेगा। ये तो हो गया भाई, स्मूथ है, बैठने में आराम है, सब कुछ है जी, सब कुछ बहुत बहुत बड़ा इंटीरियर है, स्पेस है, सब कुछ है भाई, लेकिन बताइए कि सेफ्टी कितनी है। सर बेसिकली अगर सेफ्टी की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके जो एयरबैग्स हैं इसके अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स में आपको एबीएस मिल जाता है, ईबीडी मिल जाता है, साथ ही डुअल एयरबैग्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। जो एयरबैग है वो भी एक नॉमिनल एयरबैग नहीं है, एसआरएस की जगह एसआरपी एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर हम इसके सीट बेल्ट की बात करें तो इसकी फर्स्ट इन क्लास अगर आप देखें तो बेसिकली इस सेगमेंट की कार्स में आपको जो सीट बेल्ट है वो आपको सेंसर बेस्ड नहीं मिलती, बट इस कार के अंदर सीट बेल्ट जो है, चारों सीट बेल्ट वो आपको
सेंसर बेस्ड सीट बेल्ट मिल जाती है। जो फ्रंट की जो सीट बेल्ट है ये आपको प्री टेंशनल लोड लिमिटर के साथ आपको सीट बेल्ट मिल जाती है। ऐसे ही अगर हम इसके पीछे की बात करें तो पीछे वाली जो सीट बेल्ट है दैट ऑल सीट बेल्ट आर ELR सीट बेल्ट, एमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीट बेल्ट आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। तो रेनो ने सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखा गया है, इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, ऑब्वियसली सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है इस कार के अंदर। आप पीछे चलते हैं, एक बार पीछे देखें स्पेस कितना है। ये सीट मैं एकदम पीछे करके देख रहा हूं, देखो अनुज जी मैंने ये सीट जो है एक बार व्यूअर्स के लिए मुझे बता रही है, एक बार ये सीट पूरी आगे करिए फिर पीछे करिए, फिर हम देखेंगे स्पेस कितना पीछे। ये देखिए ये सीट एकदम आगे हो गई है। अब अनुज जी इसको एकदम पीछे कर दिए, इससे जितना पीछे मैक्सिमम, ठीक है ये मैक्सिमम हो गया। अब मैं यहाँ पे बैठता हूँ, हमने सीट पीछे कर ली है। भाई मेरी हाइट है 5'5", ठीक है, और हमने सीट आपके सामने पीछे करी। स्पेस जो है छोटी कार के हिसाब से तो भाई ठीक है, स्पेस भी ठीक है, हेडरूम भी ठीक है, मतलब 6 फुट के हिसाब से तो भी आराम से बैठ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा उसको लेग्स को थोड़ा सा हो सकता है सीट टच करे, बट लेगरूम आपको हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए अनुज जी क्या है इसमें, कितना पीछे कितने लोग बैठ सकते हैं? सर अगर हम इसके बैक सीट की बात करें, रियर सीट की अगर हम बात करें, तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। बेसिकली इस ए सेगमेंट कार, तो इस ए सेगमेंट की कार के हिसाब से आपको जो स्पेस अगर आप कैलकुलेट करें तो इस सेगमेंट की कार्स के अंदर 169 mm का आपको लेग स्पेस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी कार में आपको इतना लेग स्पेस नहीं मिलता। साथ ही शोल्डर स्पेस भी आपको अच्छा मिल जाता है, काफी अच्छा मिल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि फैब्रिक जो है पीछे भी आराम से बैठने में इजी, मतलब इजीली हो रहा, तीन लोग की सिटिंग इजीली आपको इस कार के अंदर मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको पीछे पावर विंडोज ऑपरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिकली आपको पावर विंडोज जो है वो मिल जाती है इस कार के अंदर, ठीक है। अब ये मुझे बताइए भाई, हमारे इंडिया में तो भाई हमारे दो चलता है, ठीक है, तो हम दो हमारे दो के लिए तो बहुत बढ़िया कार लग गई। अब मुझे जाना है पिकनिक पे जाके, मुझे भाई वाइफ है उसके तो दो बैग तो उसके हो गए, ठीक है, बच्चे हैं दो बैग उसके हो गए, और एक आदमियों का कितना ही सामान होता है, एक झोला भी उठा के चलेंगे। तो मुझे बताइए अगर पिकनिक पे जा रहे हैं तो पीछे कितना सामान आ जाएगा? आप देखेंगे खुद ही कहेंगे कि कितना अच्छा स्पेस दिया है। मैं इसे दिखा देता हूँ, पीछे के अगर हम स्पेस की बात करें तो पीछे का जो स्पेस है वो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, 279 लीटर, यानी कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। साथ ही आप अपनी पार्शियल ट्री को भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। साथ ही इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो स्पेस जो है 279 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की किसी भी कार में आपको इतना स्पेस नहीं मिलता है। अरे वाह, ये तो मतलब अमेजिंग है। इसमें आराम से दो बैग तो भाई आराम से आ जाएंगे। साथ ही दो बैग भी अगर दो लोग की सिटिंग भी है इस कार के अंदर, इफ़ यू वॉन्ट टू रिमूव द सीट सो यू कैन ऑल्सो रिमूव द सीट ऑल्सो, आप अपनी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, तो 629 लीटर का स्पेस आपको टोटल स्पेस मिल जाता है। साथ ही सीट को फोल्ड करने के बाद अगर आप चाहो तो इस सीट को भी आप डिटैच कर सकते हो और निकाल के बाहर रख सकते हो। अरे वाह, मतलब कि अगर सिर्फ मियां बीवी को जाना है तो पीछे पूरा सीट निकाल ले और आराम से पूरा बढ़िया से सामान रख के जाए, बड़ी इजीली आप अपनी सीट को रिमूव भी कर सकते हैं और आप अपना कितना भी सामान आप इजीली कैरी कर सकते हैं। मतलब पीछे स्पेस तो बहुत 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 बढ़िया है। तो अनुज जी भाई कार देख ली, बहुत बढ़िया कार है, लुक वाइज बहुत बढ़िया है। इस सेगमेंट में जो इसकी कंपटीटर है उसके लुक के हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत आगे है, फीचर वाइज भी बहुत आगे है। अब ये बताइए कि भाई उसकी जो प्राइस है वो इसको मैच कर रही है? कोई अगर पहली कार खरीदना चाहे तो ये कार को वो कर सकता है? कितनी प्राइस है इसकी? बेसिकली जो आपने बताया कॉम्पिटिटर्स के लिए ये लाइक अनबीटेबल कार है। इसके फीचर्स को, इसके लुक्स को, इसके डिज़ाइन को कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी कार बीट नहीं कर सकती है। साथ ही अगर हम इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 4,24,500 से ये कार का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है 800 cc से। साथ ही अगर हम इस कार की जिसका हम वॉक अराउंड कर रहे हैं उस कार की अगर हम प्राइस का बात करें तो फरवरी में अब जहां आज हम हैं तो इस कार का जो प्राइस है वो है 5,09,500 इसका एक शोरूम प्राइस है। और बाकी ऑफर्स क्या चल रहे हैं इसमें? ऑफर्स आप मुझे बताएंगे क्या ऑफर्स चल रहे हैं? सर बेसिकली अगर हम ऑफर्स की बात करें तो ऑफर जो कंज्यूमर ऑफर्स जो हैं अभी आपको 10,000 rupees का कैश डिस्काउंट आपको मिल जाता है, अप टू 15,000 का आपको एक्सचेंज बोनस भी मिल जाता है, अप टू 8,000 rupees का कॉरपोरेट डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपको एक कंज्यूमर के लिए मिल जाते हैं, ये रेनो आपको देती है इन फरवरी। साथ ही एक बहुत ही अच्छी स्कीम भी आपको मिल जाती है, लॉयल्टी स्कीम आपको इस
कार के साथ मिल जाती है। अगर आप ऑलरेडी कोई रेनो यूज़र हैं या फिर आपके पास रेनो की कार है तो आपको कंज्यूमर ऑफ़र भी मिल जाते हैं और एडिशनल ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, लॉयल्टी बोनस आपको मिल जाते हैं, 3 ईयर्स तक के लिए आपको AMC फ्री मिल जाती है इन फॉर लॉयल्टी कस्टमर्स, 10,000 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट भी मिल जाता है, 3 ईयर्स तक के लिए आपको वारंटी भी फ्री मिलती है, 3 ईयर्स तक के लिए आपको RSA भी फ्री मिलता है और 3.99 का स्पेशल ROI भी मिलता है। तो दिस इज़ अ ह्यूज ऑफर दैट रेनो प्रोवाइड्स टू आर लॉयल्टी कस्टमर्स। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो काफ़ी पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है इसमें, 1000cc का इंजन और 800cc इंजन दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही इसमें आपको इस सेगमेंट की कार्स में सबसे ज़्यादा इस इंजन का पिकअप टॉर्क और पावर टू वेट रेशियो मिल जाता है। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत दमदार। बस अब ये है कि अगर आपको चाहिए तो सीधे आइए रेनो 63 में, यहाँ पे आप आके अनुज जी से मिल सकते हैं। सारा डिस्क्रिप्शन में इनका मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम, एड्रेस, शोरूम का सब कुछ दे दूँगा। बाकी आप रेनो हो, ये क्विड हो या पीछे कोई भी आपकी कार हो रेनो की, ठीक है, आप यहाँ आके अनुज जी से मिलिए और कॉन्टैक्ट करिए। जो भी अच्छा ऑफर होगा उस मंथ का, अभी तो आप फरवरी में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑफर पता लग गया, बाकी अगर आपको कोई किसी और मंथ में अगर आगे आप वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ विजिट करिए, जो भी अच्छा ऑफर होगा वो आपको अनुज जी प्रोवाइड करेंगे। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आगे मैं आपको ऐसे कंटेंट और तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए।